पल्लवी, ये आपका पहला हिस्टोरिकल शो है. इससे पहले आपने माइथोलॉजिकल शो किया, बट कोई हिस्टोरिकल शो नहीं. तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट्स बीन वंडरफुल. फर्स्ट हिस्टोरिकल शो फॉर मी. या माइथोलॉजिकल शो किया था, बट इट्स कम्प्लीट डिफरेंट ऑल टुगेदर. द कैरेक्टर, द कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट. So there is no any comparison between the mythological and historical character at all. And I would like to say thanks to Contilo and Colors team to having faith in me. And Dharma, I'm playing Dharma, Ashoka's mother. I would say she's not like all types of mothers. She's different. She's like, actually Dharma is like my mom. मैं जब भी ये कैरेक्टर करती हूँ, सो कहीं ना कहीं मुझे अपनी मम्मी की छवि दिखाई देती है. द काइंड ऑफ स्ट्रगल शी हैड बीन सफर्ड एंड शी हैड बीन गो थ्रू इन हर लाइफ, तो वो मुझे सब याद आता है. सो आई थिंक टू पोर्ट्रे एनी कैरेक्टर, आई बिलीव कैरेक्टर, एक एक्टर को इमोशनली कुछ कनेक्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है. सो आई थिंक दिस थिंग आई थिंक मेक्स मी कनेक्ट टू दिस कैरेक्टर, टू यू नो, टू परफॉर्म इवन जेन्युइनली, टू परफॉर्म फ्रॉम योर बॉटम ऑफ योर हार्ट. सो या, सो आई एम लविंग दिस कैरेक्टर दिस डेज, एंड आई हैव नेवर डन दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर बिफोर. सो एट द सेम टाइम इट्स एन्जॉयबल, stressful sometimes. Dharma is like, you know, she's a very peace, always at peace, no conflicts at all, and she's calm, stormless woman. She thoroughly loves her son. She always been protecting her son all the times, and sacrifices most of the times. So I always wanted to, you know, to play this kind of characters, because yahan pe bahut kuch hota hai, you have less time to perform. So it's been really wonderful journey for me, and I'm thoroughly enjoying it. Yeah, aapne kitna research kiya is character ke liye? वेल, शुभद्रांगी के ऊपर ज़्यादा बुक्स नहीं हैं. यू विल फाइंड ओनली अशोकाज बुक इन मार्केट. एंड मैंने आई हैव सीन, आई एम रीडिंग द सम्रागी, पाटलिपुत्र की सम्रागी. दैट इज़ द ओनली बुक आई फाउंड, एंड टू थ्री बुक्स फॉर ऑन अशोकाज. सो द मिनट I got to know that I'm doing this, I'm playing this, you know, Dharma's character, I'm doing this show. मैंने वो books ली, and the most important thing to get to know the character also, the body language, वो भी बहुत important होती है. How you stand, how you walk, and the very very important, I think I would say the essential of the character is the chemistry between the son and, you know, Dharma. So it's एक्चुअली अभी थोड़ी और डेवलप हो रही है हमारी केमिस्ट्री. एंड ही इज़ डैम स्वीट, सिद्धार्थ इज़ सुपर. जब भी वो आस पास होता है, ही मेक्स मी ऑलवेज स्माइल, एंड ही इज़ अ थरो जेंटलमैन ऑन सेट. सो इट्स ऑलवेज, यू नो, वी हैव समथिंग, यू नो, इवन ऑफ कैमरा वी शेयर ऑफ कैमरा मदर्स इन केमिस्ट्री. या आपको हिस्ट्री बुक्स में से, आपके बचपन में से कुछ याद है धर्मा के कैरेक्टर के बारे में? एक्चुअली धर्मा के बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री बुक में नहीं है. इट वाज ऑल अबाउट अशोका और उनके बारे में सारी बातें बताई गई हैं. ही वाज अ सम्राट और उन्होंने रूल किया इंडिया को, तो वो सारी चीज़ें हैं. बट देर इज, तो अशोका के बारे में कितना याद है? अशोका के बारे में दैट 302 BCE में ही बॉर्न, पाटलिपुत्र में उनका. ये तो अभी का रिसर्च है. स्कूल से कितना याद है? स्कूल से भी थोड़ा बहुत याद है. पाटलिपुत्र में उनकी उनका जन्म हुआ था. सो या, आई नो दैट. सी, पाटलिपुत्र में उनकी मृत्यु भी पाटलिपुत्र में हुई थी. ही वॉज 72 व्हेन ही डाइड. और हिस्ट्री में कितना स्ट्रांग थे आप? मम्मी फिर भी 60%. Yeah, I won't lie, 60%. सिद्धार्थ के साथ आपने जैसा कहा कि ऑफ स्क्रीन भी एक मदर सन बॉन्डिंग हो गई है, तो वो कैसा रहा?
वो एक्चुअली बॉन्डिंग अभी बढ़ेगी यू नो एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल गेट कनेक्ट विद दैट बॉन्डिंग ऑन स्क्रीन एज वेल सो या बॉन्डिंग इज गेटिंग इवन बेटर एंड बेटर बेटर एंड ही इज सरप्राइजिंग मी ईच डे विथ हिज परफॉर्मेंसेज आई रिमेंबर वी डन वन मॉक शूट आई थिंक टू मंथ्स बैक वी डन वन मॉक शूट टू जस्ट सी हाउ द केमिस्ट्री इज गोइंग एंड ऑल दैट स्टफ सो उस मॉक शूट से लेके आज तक he has grown as an actor like so I really can see the you know the brightest future for him okay so have you seen him performing any gymnastic steps yeah okay. absolutely abhi bhi unhone jo perform kiya skit mein usme bhi unhone sare moves unke wahi the so वो जब भी परफॉर्म करते हैं आई गेट गूज़बम्स ओके सेट पे मैंने घोड़ा देखा फिर स्वॉर्ड फाइटिंग भी हो रही थी तो आपने कभी ट्राई किया स्वॉर्ड्स फाइटिंग सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट बट या घोड़े पे तो मैं बैठी हूँ या घोड़े पे बैठ सकती हूँ बट नॉट फाइटिंग एंड ऑल बट राइड किया है घोड़े पे हाँ आई कैन राइड थैंक यू सो मच नाइस टॉकिंग टू यू